मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास मेरी प्यास। फिल्म जगत में आईएस जौहर ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हर कोई इंसान पहचानता है। इनके कारण कई सारे लोगों को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। जी हाँ, उन लोगों में सबसे पहला नाम है सोनिया साहनी का। बतौर हीरोइन के रूप में काम कर चुकी इस एक्ट्रेस को बाद में फ्लॉप हीरोइन की सूची में डाल दिया गया। पर मेहनत करने वाले रास्ते की फिक्र नहीं करते। सोनिया साहनी ने भी वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने के बाद भी बड़े बैनर की फिल्मों में छाई रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर आप सुन रहे हैं अनामिका यानी मेरी आवाज। मैं सुनाती हूँ किस्से, कहानियाँ और भी बहुत कुछ। दिलचस्प कहानियों के भंडार से लेकर आई हूँ कहानी सोनिया साहनी की, जो एक जमाने में बड़ी अदाकारा हुआ करती थी। सोनिया साहनी का असली नाम है उषा साहनी। उनका जन्म एक सिख परिवार में 31 अगस्त 1946 के दिन श्रीनगर में हुआ था। वे अपने 8 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। उनके माता पिता अविभाजित भारत के लाहौर में रहते थे, पर आज़ादी के बाद उन्हें भारत आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने धर्मांतरण करते हुए ईसाई धर्म अपना लिया। आपको बता दूं कि सोनिया साहनी का चेहरा एक नज़र में देखा जाए तो भ्रम होने लगता है, क्योंकि इनका चेहरा महान अभिनेत्री नूतन और अपने जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री अर्चना की तरह दिखता है। इसीलिए कभी कभी अर्चना की फोटो दिखाकर सोनिया साहनी की जानकारी देने वाले कई सारे लोग मिल जाएंगे। फिल्म जगत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे कलाकारों के चेहरे एक दूसरे से मिलते हैं। सोनिया साहनी बचपन में फिल्मों के प्रति रुझान रखती थी। स्कूल के दिनों से वो स्टेज शो में हिस्सा लेती थी। इसके अलावा कश्मीर के एक स्टेज ग्रुप से भी वो जुड़ी थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने के प्रसिद्ध शख्सियत, रूप शौरी और कॉमेडियन आईएस जौहर ने सोनिया साहनी को एक्टिंग करते हुए देखा। जौहर साहब को सोनिया की कलाकारी पसंद आ गई और उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया। सोनिया ने ये मौका गवाया नहीं और वो मुंबई आ गई। जौहर साहब ने सोनिया के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्हें मुंबई में रहने के लिए एक घर भी दिया। पर शायद जौहर साहब को सोनिया का असली नाम पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने उषा के जगह सोनिया नाम रखा। इस नाम के साथ सोनिया की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा रिलीज हुई। 1965 में प्रदर्शित हुई इस फिल्म में सोनिया साहनी ने किसिंग सीन भी दिया, जिसके वजह से चारों तरफ तहलका मच गया। हर कोई उन्हें किसिंग गर्ल पुकारने लगा, क्योंकि उस जमाने में इस तरह की चीज़ों को सामाजिक फिल्मों में कोई जगह नहीं होती थी। जौहर महमूद इन गोवा फिल्म को काफ़ी अच्छी सफलता मिली, इसीलिए आईएस जौहर ने इसी नाम से बहुत सारी फिल्में बनाई और हर बार सोनिया साहनी को बतौर हीरोइन मौका दिया। जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे, मेरा नाम जौहर जैसी फिल्मों को वो सफलता मिली नहीं जो पहली फिल्म को मिली थी। इसका सीधा असर सोनिया पर पड़ा, क्योंकि जौहर ने उन्हें पहले दिन से ही कॉन्ट्रैक्ट में बांध कर रखा था। इस कारण से वो बड़ी फिल्में साइन कर नहीं सकती थी। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तब तक बहुत ज़्यादा समय भी गुजर चुका था। बिग बैनर की फिल्मों के हीरोइन के रूप में उन्हें किसी ने पसंद नहीं किया। मुंबई पहुंचने के 6 साल तक उन्हें बिग बजट वाली फिल्मों में काम करने का मौका मिला नहीं। इस बीच उनके जीवन में शिव पालिताना आए, जो पालिताना रियासत के राजकुमार थे। पहली पत्नी के साथ उनका तलाक हो चुका था, पर सोनिया के साथ उनके संबंध बनने लगे। अब सोनिया के लिए रास्ता साफ था, क्योंकि मुंबई जैसी जगह में उनका करियर भी चल पड़ा और पारिवारिक माहौल भी बन गया। शिव से शादी करने के बाद भी सोनिया फिल्मों में अभिनय करती रही। कहा जाता है कि सोनिया की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी, पर असलियत में देखा जाए तो सोनिया ने सही फैसला लिया था। सोनिया ने अपने समय में देवानंद, किशोर कुमार, महमूद, संजीव कुमार, सुजीत कुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था। 1973 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी में उन्होंने अपने से 7 साल बड़े कलाकार ऋषि कपूर की मां का किरदार निभाया था। पर इसके बाद भी वो सेकेंड लीड एक्ट्रेस के रूप में दिखती रहीं। सोनिया के फिल्मी सफ़र पर रुख किया जाए तो ये बात भी सच है कि उन्हें कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, पर ये बात भी सच है कि उनकी जोड़ी आईएस जौहर के अलावा किसी से बन नहीं पाई। नतीजन
फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, इसीलिए उन्होंने कैरेक्टर किरदार निभाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों का कहना है कि अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद सोनिया ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, पर ये बात झूठ है। 90 का दशक खत्म होने तक उन्होंने कैरेक्टर किरदार निभाए। 2015 में आई संतोषी माँ इस टीवी सीरियल में उन्होंने दादी का किरदार निभाया था। शिव से उन्हें दो बच्चे हुए, केतन और किरण। आज के दौर में सोनिया सहानी मुंबई में चैन भरी जिंदगी गुजार रही हैं। आज भी पालताना रियासत के लोग उन्हें राजमाता कहकर पुकारते हैं। उनके बारे में एक अफवाह ये भी है कि 1990 में जब शिव का देहांत हुआ तब राज परिवार ने सोनिया का कड़ा विरोध किया, पर सौभाग्य से ये बस एक अफवाह है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।